दोस्तों, महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव स्टेट है। हमारे देश के अगर आप हाईएस्ट जीडीपी वाले स्टेट्स की लिस्ट देखो तो महाराष्ट्र और सेकंड टॉप स्टेट के अंदर 35% ऑफ अमाउंट का डिफरेंस है, जबकि अगर आप सेकंड और थर्ड स्टेट को कंपेयर करो तो सिर्फ 8% का डिफरेंस है। इसके कारण आप ये समझ सकते हो कि महाराष्ट्र कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के फंक्शनिंग के लिए। और इसी के लिए कई सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टेट के लिए प्लान्ड है, और मैं इनमें से सारे प्रोजेक्ट्स कवर नहीं कर पाऊंगा, तो जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उतने आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे, और बाकी पूरी लिस्ट आपको वीडियो के अंत में ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है समृद्धि महामार्ग। पूरे देश में सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई और पुणे के बीच में बना था, और आज 40,000 से ज्यादा व्हीकल्स इस 94 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर चलती है। और इसी तरह मुंबई और नागपुर के बीच में एक 8 लेन का 701 किलोमीटर लंबा बड़ा एक्सप्रेसवे प्लान किया गया है, और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से जारी है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की टोटल अमाउंट 46,000 करोड़ रुपीज है, और 2018 में इसका ग्राउंड वर्क शुरू हुआ था, और आज की अगर बात करें तो 45% काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि 86% लैंड एक्वायर्ड है। इसमें उम्मीद यह है कि 2021 के मिड तक इगतपुरी और नागपुर के बीच वाला सेकेंड फेज पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जबकि नासिक और थाने के बीच वाला स्ट्रेच जो काफी अर्बनाइज्ड है उसका काम कुछ महीने बाद में कंप्लीट हो जाएगा पहले फेज के खुलने के बाद में। इस एक्सप्रेस के साथ साथ कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज भी प्लान की गई है, जो इस इलाके में रहने वाले लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको बहुत ज्यादा मदद करेगी। अगला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई का करंट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ साइज वर्सेस कैपेसिटी में आता है, यानी इसके पास लैंड एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आने वाले प्लेन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये आधे से भी छोटा है, लेकिन फिर भी इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक दिन में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स होल्ड करने का, जो 1002 फ्लाइट्स का है। इसके पहले वाला रिकॉर्ड जो 982 फ्लाइट्स का था वो भी मुंबई के पास था, जबकि तीसरी रिकॉर्ड लंदन के पास है। इसके कारण आप ये समझ सकते हो कि मुंबई एयरपोर्ट आज का जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट एयरपोर्ट है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। इसी को दूर करने के लिए नवी मुंबई, जो मुंबई की सैटेलाइट सिटी है, वहां पर ये एयरपोर्ट प्लान किया गया है। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 90 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की होगी, दो रनवेज जो पैरेलल होंगे और इसके कारण एक साथ यूज हो पाएंगे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, दो कार्गो टर्मिनल, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक, 3 प्लेन हैंगर्स, एक फ्यूल फार्म, ये सब कुछ इस एयरपोर्ट के लिए प्लान्ड है। इस एयरपोर्ट को फ्यूचर में एक्सप्रेसवे और मेट्रो दोनों की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये एयरपोर्ट अब तक खुल जाना चाहिए था, लेकिन इस एयरपोर्ट के सामने दिक्कत ऐसी आती है कि यहाँ पर बहुत तेजी से काम शुरू होता है, लेकिन फिर किसी कोर्ट पिटीशन के चलते ये इसका काम रुक दिया जाता है। इसके बाद में इस एयरपोर्ट के स्टेक में 79% NMIA बॉडी का है, जबकि बाकी सड़कों का है। इसके कारण दोनों बॉडीज में भी अगर कोई क्लैशेस होते हैं तो उसके बाद में इस एयरपोर्ट काम रुक जाता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट हिचकोले खाते हुए अपना काम कंप्लीट कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये टाइम पे जो इसकी अगली डेडलाइन है 2022 की, उस टाइम पे पहली फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट से हमें देखने के लिए मिलेंगी। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड। दोस्तों, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ इस प्रोजेक्ट पे। शॉर्ट में समझाऊं तो 29.9 किलोमीटर लंबा ये रोड मुंबई के एक वेस्टर्न कोस्ट से होता हुआ गुजरेगा। इसके अंदर एक टनल, एक बहुत एडवांस इंटरचेंज, एक लंबा सी लिंक, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। मुंबई की नॉर्थ एंड साउथ कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और इसका ज़्यादातर भाग रिक्लेम्ड जमीन पर बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मुंबई में जिसका काम अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जारी है, और 2023 तक इसका पहला फेज लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अगला है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बन रही बुलेट ट्रेन हमारे देश में अनाउंस की गई पहली हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट थी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 2028 तक इसकी डेडलाइन शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के लिए काफी दिक्कतें आ रही है। मैंने टाइम द टाइम इंफ्रा न्यूज में बुलेट ट्रेन के अपडेट्स कवर किए हैं आपसे, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन फिर भी NHSRCL ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर की उम्मीद छोड़ी नहीं है, और अपने पूरे प्रयास इस प्रोजेक्ट के पीछे वो लगा रही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा। अगला है MTHL या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड। दोस्तों, ये इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज होने वाला है। 21.8 किलोमीटर लंबा MTHL मुंबई के सेवरी और नवी मुंबई के चिरले इलाके को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का काम फिलहाल टाटा और L&T दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच में बनने वाला तीसरा सी ब्रिज होगा, जो एरोली और वाशी ब्रिज के बाद में बनाया जा रहा है। ये स्पेशली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने वाली नई ट्रैफिक को फैसिलिटेट करेगा,
और इसके साथ साथ दोनों शहरों के बीच में जो कंजेस्टेड इलाके बन चुके हैं उनको भी राहत देगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल वर्थ $2 बिलियन है और ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका पेस अभी फिलहाल बहुत अच्छी खासी स्पीड पर है और इसके बारे में रोज नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 की इसकी डेडलाइन तक ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स मुंबई नागपुर के बीच में और पुणे और नासिक के बीच में। दोस्तों ये दो क्रॉसिंग हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का काम भी अच्छे खासे स्पीड पर जारी है। ज़्यादा समय पहले इन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस नहीं किया गया है, फेयरली रीसेंट है, लेकिन फिर भी 741 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सर्विस के टेंडर्स ऑलरेडी बाहर निकाल लिए गए हैं। इसका काम जारी है, अलाइनमेंट वगैरह फिक्स किया जा रहा है और रफ अलाइनमेंट भी हमें देखने के लिए मिला था। जबकि पुणे नासिक ट्रेन की हम अगर बात करें तो उसका अलाइनमेंट फिक्स हो चुका है। लैंड एक्विजिशन काम भी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है पुणे नासिक दोनों शहरों में। ये इन दोनों शहरों के बीच में मौजूद जो छोटे दूसरे टाउन्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। उम्मीद कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा। मुंबई ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर दोस्तों अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप जानते हो कि मुंबई का जो वेस्टर्न भाग है वो हमेशा से ज़्यादा डेवलपमेंट करता रहा है और ज़्यादा एडवांस बिल्डिंग है, ज़्यादा पैसा मुंबई के इस इलाके में रहा है, जबकि वेस्टर्न भाग में ज़्यादातर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, लोअर इनकम हाउस होल्ड्स, ये सारी चीज़ों का वास रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर चीज़ें बदल रही है। कुछ बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स ने यहाँ पर जम किया है और धीरे धीरे कमर्शियल सेंटर भी यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 500 हेक्टेयर में फैला हुआ मुंबई का ईस्टर्न रिवरफ्रंट डेवलप किया जाएगा। दोस्तों ये न्यूयॉर्क में बसे हुए हडसन बे प्रोजेक्ट के जैसे बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें कई मेजर डिफरेंसेस भी है। यहाँ पर 63% एरिया जो रिक्लेम किया जाएगा वो ओपन स्पेसेस, गार्डन्स, ग्राउंड्स इनके लिए दिया जाएगा, जबकि बाकी एरिया में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, कमर्शियल स्पेसेस, स्काई स्क्रेपर्स इन चीज़ों के लिए एलोकेटेड होगा। इसके साथ साथ मुंबई आई जो प्रोजेक्ट शायद से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मुंबई पे शिफ्ट होगा, ये इनिशियली तो यही पर प्लान्ड है। इसके अलावा फेरी टर्मिनल, फ्लेमिंगो वॉचिंग स्पॉट जो मैंग्रोव प्रिजर्व करने के बाद यहाँ पर रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है पूरे मुंबई के लिए और मुंबई के इकोनॉमिक सेंटर को शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी ये प्रोजेक्ट रखता है। तो दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो महाराष्ट्र में प्लान्ड है। इनमें से कई प्लानिंग फेज में है, कुछ का कंस्ट्रक्शन जारी है, कुछ ऑलरेडी फंक्शनल भी है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है वाधवान सी पोर्ट। दोस्तों सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है ये पोर्ट, पूरे देश का सबसे बड़ा शिपिंग कंटेनर पोर्ट होगा। ये अभी प्लानिंग फेज में है और ठीक ठाक पेस पेस का काम जारी है। अगला है मुंबई मेट्रो। दोस्तों पूरे देश में सबसे ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो आज मुंबई में है। अगला है मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना है और इसका काम थोड़ा फिलहाल अप एंड डाउन चल रहा है। ये कैंसिल अब तक किया नहीं गया और उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगला है पुणे इंटरनेशनल टर्मिनल। दोस्तों कुछ दिन पहले इसके रेंडर्स बाहर आकर इसे फास्ट ट्रैक पेस में डाल लिया गया है और इसके कारण पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अभी अच्छी खासी स्पीड पर शुरू हो जाएगा। मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है जो एक हाई डिमांड और हाई ट्रैफिक एरिया को कनेक्ट करेगा। इसका काम भी बहुत स्पीड से जारी है, जबकि कुछ पार्ट्स को ऑलरेडी पैसेंजर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। खारघर कॉरपोरेट पार्क। दोस्तों नवी मुंबई में बसे हुए खारघर एरिया में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमीन एक डेवलप्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए छोड़ दी गई थी और अभी यहाँ पर एक्चुअल में बिजनेस पार्क बनाने का काम जल्दी शुरू होगा। अरामको रिफाइनरी कोंकण। दोस्तों सऊदी अरामको दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है और इसका वैल्यूएशन आज एप्पल से भी ज़्यादा है। इन्होंने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में समुद्र के पास कहीं पे तो ये 3,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से उनकी अब तक की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाएंगे। अगला है पुणे रिंग रोड जो पुणे की ट्रैफिक को राहत देगा। ऑरिक सिटी जो औरंगाबाद में बन रही एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और इसमें कुछ प्लांट्स ऑलरेडी फंक्शनल है, जबकि 150 से ज़्यादा कंपनीज अप्लाई कर चुकी है जिसमें कई बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो एक्सपांशन, नागपुर एयरपोर्ट एक्सपांशन, मैगलव ट्रेन जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में प्रपोज की गई है, लातूर कोच फैक्ट्री, मुंबई मोनोरेल एक्सपांशन दिलघाटकोपर, नदी जोड़ प्रकल्प या फिर तापी रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहाँ की वाटर शॉर्टेज को सॉल्व करेगा। इसके अलावा मिहान कार्गो प्रोजेक्ट जो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब बनेगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अपने टाइम पर कंप्लीट होंगे और लोगों को इसका फायदा भी होगा, साथ साथ देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ के कॉन्ट्रीब्यूशंस में और बढ़त आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।